तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जेल में सुरंग बन चुकी है और पिस्तौल भी आ चुका है। आओ, जेल में सुरंग। ठीक है, बस अब कल फायर करना बाकी है। जैसा कि आज ट्रेलर भी आ गया है मिर्जापुर का, तो अब बदला भी लेंगे और मिर्जापुर भी लेंगे, समझ लो। तो अभी हम लोग डिकैथलॉन आए हैं और सारी तैयारियां हो चुकी है, सारा सामान खरीदा जा चुका है, थोड़ा बहुत सामान बचा है तो वो भी खरीदेंगे। बाकी क्या क्या सामान है वो डिटेल आगे वीडियो में देखते रहो, सब पता चलेगा। भैया ये देख रहे हो सामान, देखो सामान, ऋषि अमीर है, पैसा ही पैसा, महंगी बातचीत। तो कुछ सामान यहाँ से भी लिया गया है, तो मैं रख के गया था क्योंकि मैं अकेले आया था, और ले लेते हैं अभी। बाकी सामान तो आपको देखने को मिलेगा ही, कुछ सारा मेरा सामान सारा सारा सामान पैक हो चुका है। हाँ, तो इतना सारा सामान ले लिया और इसमें क्या क्या है उसके लिए चुल्ल तो सबको मस्ती है कि जल्दी से पता चले क्या है, तो आप लोग को मची रही होगी। लेकिन रुको जरा, सबर करो। सो फाइनली सारी तैयारियां हो गई हैं, बैग पैक हो गया है, इधर लैपटॉप बैग पैक हो गया है, और ये अभी अभी नई जैकेट मैंने खरीदी है और इसका वाइज़र भी चेंज करा लिया है मैंने, अगर आप देखो लुक ऐसा हो गया। और फिलहाल निकलते हैं और सीधे आते हैं बाइक पे। सो फाइनली घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी ऋषि को पिक करेंगे और फिर दोनों लोग निकलेंगे यहाँ से। आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो तो आप टाइटल में समझ ही जाते हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल रूट क्या चूज़ करते हैं ये ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि होने वाला है प्लान थोड़ा लंबा और मज़ा पूरी आने वाली है आपको। तो सुबह के बज रहे हैं 5:07 और हम और ऋषि निकल चुके हैं नई जर्नी नई शुरुआत के लिए। तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम लोग 1:16 तक आज की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम लोग कंटिन्यू चलते रहे इसी स्पीड में तो गूगल देवता जो बताते हैं वो लगभग सही बताते हैं, अगर हमें ये डाइवर्ट ना कर दें किसी गलत रूट पे, क्योंकि कभी कभी ये पहुंचा देते हैं जापान, जाना होता है चीन। और पहले टोल हम पहुंच गए हैं, बट ये भीड़ क्यों लगी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बाइक वालों को जाना है फिर भी भीड़ लगी है यार। ओके, तो ये टेम्पो ने फंसा रखा था यहाँ पे और हम निकल रहे हैं सरसराते हुए, क्योंकि हमें तो टोल देना ही नहीं है, दो पहिए होने का आपको फायदा मिलता है यहाँ पे, न टोल का झंझट न रुकने की चिंता। तो फाइनली हमने 29.6 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं जर्नी के। तो घूमने हम लोग डाल आए और बहुत मजा था लेने, और इधर बैठा है ये पीते तली हमारी ताली, ये तो दीदी एकदम जम्मन तप्पू ऑल ताए 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 दलम ताए। कैसे उठाया जा रहा है यहाँ एम्प्लॉय को, तो जूता सुखा रहे, कैसे नहीं उठाओ यार, पकड़ घसीट लो और रोड पे बैठाओ इसको। तो अभी थोड़ी देर रुके थे एक जगह पे चाय पीने के लिए, और थोड़ी ज़्यादा चाय पी, दो चाय पी हमने, क्योंकि चाय इज लव। और इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्ड में बताने वाला हूँ एकदम डिटेल के साथ कि कितना एक्सपेंस हुआ, और अगर आपको जाना है तो कैसे कैसे जा सकते हो आप। फिलहाल हम निकले अपनी बाइक पे जो कि देती है माइलेज 30 का, तो 30 के माइलेज के हिसाब से हम इसका एक्सपेंस बताएंगे आपको कि अगर इतना माइलेज होगा आपकी बाइक का तो कितना खर्चा आपका लगने वाला है ओवरऑल। फिलहाल हमें सीतापुर के पास 9 किलोमीटर बचा हुआ है आगे, सीतापुर 9 किलोमीटर बाद हम सीतापुर पहुंच जाएंगे, उसके बाद की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ लगा हमारा इंटरकॉम चार्जिंग पे, चार्जिंग ख़त्म हो गई है, इंटरकॉम बहुत ज़रूरी है, बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है। और फिलहाल हम बैठे हैं जुगाड़ से, आगे हमने रख लिया है बैग, पीछे बैठा है ऋषि, तो बैग में सारा सामान आ गया है, और ऋषि के पास एक बैग है जिसमें कि लैपटॉप है, तो उससे करेंगे एडिटिंग, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज़रूरी था तो लैपटॉप रख लिया हमने। और ऋषि का भी लाइसेंस नहीं बना हुआ है, तो इसी वजह से दूसरी बाइक नहीं ले जा पा रहे हैं हम साथ में, तो हमने कहा चलो ठीक है एक ही पे चल देते हैं, लाइसेंस अप्लाई करवा दिया है, नेक्स्ट ट्रिप में होप लाइसेंस आ जाएगा तो दो बाइकें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल राइड करने का इतना मन था कि हमने कहा कुछ भी हो जाए कैसी भी सिचुएशन हो हम राइड करेंगे, करेगा आपका भाई राइड, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा आपको।
तो अपनी ट्रिप चालू है, शुरू है, स्टार्ट है और कुछ खाने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे और अब खा चुके हैं, अब निकल रहे हैं आगे। तो ट्रिप शुरू करने से पहले कुछ खर्चा किया गया था बाइक पे क्या, बाइक के सामान पे। ये ख़रीदा था 2000 रुपये के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी सीट बहुत हार्ड है तो पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, तो मैंने 2000 रुपये खर्च करके ये ले लिया था। और अपना जेन्यून अगर ओपिनियन दूँ मैं तो एज सच प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व ज़रूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है। पेन इसमें भी हो रहा है, मतलब अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा लंबी राइड कर रहे हैं तो उतना पेन नहीं हो रहा, बट पेन हो रहा है। और थोड़ा सा खर्चा ऐड हुआ है जो कि बैग पे किया। पहले मैं टेल बैग लेने वाला था, बट फिर जब मेरे साथ पिलियन था तो मैंने ये वाला बैग ले लिया। इसको मैं आगे रख रहा हूँ टैंक पे और एक बैग ऋषि टांग ले रहा है, तो काम हो जा रहा है अपना। ये ट्रक यार लास्ट टाइम भी पड़ा हुआ था जब हम लोग आए थे, ये कितनी सदियों से पलटा है। दो बार हो गए थे इसका, ये वही है कि फिर पलटा है, फिर पलटा होगा, फिर पलटते ही रहते हैं इधर से। तो अभी शाहजहाँपुर क्रॉस कर रहे हैं, काफ़ी पीछे जाम था और पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और यहीं से रिफिल कराएंगे पेट्रोल। ओहो अंकल जी पुलिस में है, अंकल जी डिवाइडर पे चलाक निकल गए उधर, बिना हेलमेट के अंकल जी चले जा रहे हैं एकदम धकाधक। अंकल जी एक तो हेलमेट नहीं पहने हैं, ऊपर से एकदम हौके दे रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर। ऊपर से गरिया रहे हैं ट्रक वाले को, रोकिन बवकाल देंगे भाई यूपी पुलिस। अरे माँ का चीना। नैनीताल यहाँ से 73 किलोमीटर है रास्ता, आप देख सकते हैं कितना खराब है, मतलब धूल मिट्टी, बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता है। और अभी बाउंड्री पे थोड़ा टेस्ट हो रहा था कोरोना, तो रैपिड टेस्ट आप चाहें तो करा सकते थे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको एंट्री मिल जाएगी बहुत आसानी से और कुछ पूछेगा नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं था बट रैपिड टेस्ट हो रहे थे, अगर आपको कराने हैं तो आप करा सकते हैं। तो हम लोग ने तो कराया नहीं, हम लोग निकल आए, उन्होंने कहा जाइए ठीक है। तो फाइनली 33 किलोमीटर अभी नैनीताल बचा है और सामने पहाड़ दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा विज़न आ रहा है, मतलब साफ दिख रहे हैं, अभी तक हल्के हल्के दिख रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा है यार, 8 महीने बाद आखिरकार हम निकले घर से अपने, COVID-19 के बाद ये पहली राइड है जब हम निकले हुए हैं। ऋषि इस पहाड़ की रजिस्ट्री कराओ, ये मेरे को चाहिए, इसको उठवा के अयोध्या शिफ्ट कराओ, राम मंदिर बनेगा उसके बगल में रखा जाएगा ये, शिफ्ट कराओ इसको फट से, योगी जी से बात करो। तो ये मेरे राइट साइड पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप यहीं पे उतरेंगे और फिर बाहर निकल के यहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी नैनीताल जाने के लिए। और टैक्सी वाले बहुत ठगते भी हैं यहाँ पे, मतलब 250 रुपये से लेके 500 रुपये जिस हिसाब से आप दे दो, तो मिनिमम चार्जेस जो एक कार के होते हैं, जो हम लोग आए थे पहले तो 250 रुपये दे के हम 4 लोग बैठ के गए थे इसमें, तो उसी हिसाब से आप बार्गेन भी कर सकते हो। बाकी फिलहाल तो अपने पास बाइक है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो यहाँ एक ऑडी जो है वो पलट गई है, लोग बता रहे हैं इधर से स्पीडिंग करते हुए आए और ब्रेक लगाई और रुक नहीं पाई और सीधे स्लाइड होकर नीचे चली गई, एयरबैग खुल गए हैं, बाकी वो लोग सेफ हैं, खैर कुछ हुआ नहीं। हमारे कोपरे की बैटरी खत्म हो गई थी तो बैटरी चेंज करने के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे। अरे जय बजरंग बली, ओ माय गॉड लुकिंग गॉर्जियस, मंदिर मंदिर बन गया यहाँ। पहुंचे नैनीताल, पहुंचे, बहुत मजा आ रहा है, ये दत्तो मजा आ रहा है, इन तो भी मजा आ रहा है, इन तो भी मजा आ रहा है, इधर देखो इन तो। तो ये खूबसूरत सा लोकेशन मिला था, फोटोग्राफी मुझे लगा यहाँ पे अच्छी होगी, तो थोड़ी बहुत फोटोज यहाँ पे क्लिक करवाई हैं। फोटोज देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, तो फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो, फोटोज मिलेंगी चकाचक।
लोकेशन बहुत अच्छी है वैसे फोटोज के लिए, फोटोज क्लिक हो गई है, अभी वापस निकल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच गए हैं और कोई महंगी बातचीत नहीं है इस बार। इस बार सबसे बजट ट्रिप मारेंगे और सबसे सस्ता होटल लेंगे, इसलिए जा रहे हैं धर्मशाला। तो हम लोग गए थे धर्मशाला में रूम लेने, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन हम लोग का नहीं था। हम लोग ने बैठ के ऑनलाइन फोन से रजिस्टर किया, अब इसका प्रिंट आउट चाहिए था, तो मैं जा रहा हूँ प्रिंट आउट निकालने, प्रिंट आउट निकाल के लाके यहाँ दूंगा तब रूम हमें मिलेगा। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो स्मार्ट सिटी देहरादून साइट है उस पर जाओ और अपने आप को पहले रजिस्टर कर लो कि आप यहाँ घूमने आ रहे हो, ट्रैवल करने आ रहे हो। उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, तो रजिस्टर करके ही आओ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि किसी भी होटल में अगर आप होटल लेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। अभी हम खोजते हैं एक साइबर कैफे, ये रहा साइबर कैफे। तो कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप रजिस्टर करके आसानी से यहाँ प्रिंट आउट निकाल के यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो फाइनली नैनीताल में पहुँच गए हैं और धर्मशाला में रूम लिया है, बहुत महंगा रूम नहीं लिया क्योंकि ये बजट ट्रिप है हमारी, तो ये रूम मिला हुआ है। कुछ कमियाँ हैं रूम में, बट जिस प्राइस में ये रूम मिला है हमें ना, तो बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ इसका भी। देखिए रूम में ज़्यादा हमें रुकना नहीं है और ये रूम है, और अगर हम प्राइस की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आई थिंक बेस्ट ही है ये रूम। 120 रुपये हमें किराया लगा है, टोटल 80 रुपये पार्किंग का, तो बाइक पार्क की हमने, तो टोटल 230 रुपये हमने पे किए हैं इस रूम के लिए। एक बेड पे ऋषि सो जाएगा, एक बेड पे मैं, और दिन भर हमें बाहर ही रहना है। एक कमी जो है वो ये कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, वो भी सिर्फ सिंगल वाला, हमारे पास 3 पिन चार्जर है, तो ये हमें कुछ अरेंज करना पड़ेगा वरना बाहर बैठ के चार्ज करना पड़ेगा। बाकी ऋषि है इधर, फोन चार्ज कर रहा है, ये बैठा है हाँ बैठ के फोन चार्ज कर रहा है। 230 रुपए में रूम लेगा तो यही होगा ना। आ जाओ, आप पावर बैंक देता हूँ मैं तुम्हें। तो फाइनली नैनीताल में और बहुत सारी ट्रिपें की, बहुत महंगी महंगी ट्रिपें की, दुबई घूम के आया भाई साहब, वर्ल्ड के टॉलेस्ट होटल में रुके भाई साहब। लेकिन इस टाइम क्या सिचुएशन है कि अब बारी है बजट ट्रिप की, कि एटलीस्ट हम ये भी देखें कि अगर हम बजट में जाते हैं और सबसे चीपेस्ट चीज यूज करते हैं तो हम कितने रुपए में क्या क्या चीजें घूम सकते हैं, क्योंकि हर कोई अमीर तो होता नहीं है, हर किसी के पास अंधा पैसा होता नहीं है। 10 रुपए में यहाँ मिलता है गर्म पानी, एक बाल्टी होगी, एक बाल्टी आप नहाइए और मजे लीजिए, तो समझ रहे ना, बिल्कुल सस्ते में। तो ये ट्रिप होने वाली है बजट ट्रिप, बिल्कुल बिंदास। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, नैनीताल तक का सफ़र हमारा यही था। नैनीताल में हमने क्या किया वो आगे आने वाले ब्लॉग में आप देखोगे, उसके बाद हम केदारनाथ की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली इस ब्लॉग में हमें आइडिया नहीं था कि हम ब्लॉग को ख़त्म कहाँ करें, इसीलिए एंडिंग नहीं थी, और अभी भी मैं ये एंडिंग शूट करने के बाद मैंने डाली है, तो अभी भी मैं उत्तराखंड में हूँ। बहुत सारी प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर की है उत्तराखंड में, वो सारी प्लेसेस आप देखोगे आने वाले ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग्स के साथ कंटिन्यू बने रहो, और फोटोज़ के लिए इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, क्योंकि फोटोज़ वहाँ बहुत अच्छी अच्छी आपको मिल जाएंगी। तो इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, फॉलो कर लो अपने भाई को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो क्योंकि केदारनाथ के दर्शन आपको जल्दी ही होने वाले हैं। तो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।